हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मामाअर्थ की न्यूली लॉन्च्ड राइस डे क्रीम विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड के बारे में। ये फेस क्रीम आती है ग्लास स्किन के लिए और ये पंपिंग बॉटल में आती है। इसका प्राइस है 599 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट और 18 मंथ की सेल्फ लाइफ मिलती है। दोस्तों, ये फेस क्रीम सेफली मेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। बोथ मैन एंड वेमेन इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूं। सो आपको इस तरीके से प्रेस करना होता है इस फेस क्रीम को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आपको इसे अप्लाई करने के लिए अपने फेस को क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। इसे तब तक मसाज करना है जब तक कि ये स्किन में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। और दोस्तों, ये बहुत ही लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, स्किन पर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करती है। और जैसे ही ये स्किन में एब्सॉर्ब हो जाती है तो आप देखेंगे कि स्किन बहुत ही सॉफ्ट लगती है और स्किन पर इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है और फेस पर जो दाग धब्बे होते हैं वो भी कम विजिबल होते हैं और स्किन बहुत ही ब्राइट लगती है। इस फेस क्रीम के जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस वाटर एंड नियासिनामाइड। राइस वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को सूथ करता है और हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है। इसके साथ ही इसमें नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड हमारे फेस पर जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिड्यूस करके स्किन टोन को इवन बनाता है। और दोस्तों, इसमें ग्लिसरीन भी है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, स्किन को ड्राई होने से बचाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको मिलता है SPF 30, जो कि हमारी स्किन को सन डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारी स्किन सन से डैमेज हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। सो ये हमारी स्किन को सन डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हमारी स्किन पर ग्लो बना रहता है, स्किन ब्राइट लगती है। और फुल इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप इसके बैक में यहाँ पर देख सकते हैं, बैक में दी गई है। सो दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस फेस क्रीम को यूज़ किया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि राइस जो इंग्रेडिएंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट बनाता है और फेस पर जो दाग धब्बे होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। सो जैसे ही मैंने देखा कि मामाअर्थ ने अपनी राइस रेंज लॉन्च कर दी है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई इस रेंज को ट्राई करने के लिए। और जब मैंने पहली बार इस फेस क्रीम को ट्राई किया और मैंने देखा कि इसमें आपको SPF भी मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको SPF मिल रहा है। सो जब मैंने पहली बार इस फेस क्रीम को यूज़ किया, फर्स्ट तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड है। सो जिनको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, जिनको फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, उनके लिए भी बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस फेस क्रीम को यूज़ करने में, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड है। नेक्स्ट, ये बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। जैसे हम स्किन पर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगती है और अप्लाई करने के बाद स्किन पर ग्लो आ जाता है, स्किन ब्राइट लगती है, बिल्कुल भी डल नहीं रहती है और हमारे फेस पर जो दाग धब्बे होते हैं वो भी बहुत कम विजिबल होते हैं। और दोस्तों, इस फेस क्रीम की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, फर्स्ट तो ये कि इसमें आपको SPF मिलता है और ये आपकी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बना देती है। और सेकेंड ये है कि आपको इसे अप्लाई करते हुए अगर 6 से 7 घंटे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आपकी स्किन ऑयली फील नहीं करती है। और जब समर सीजन हो तो स्पेशली हम ये देखते हैं कि स्किन कहीं ऑयली ना लगे, कुछ टाइम के बाद ऑयली ना हो जाए। और जब मैंने भी इसको पहली बार यूज़ किया तो मैं भी 1-1 घंटे के बाद मेरी स्किन को टच करके देख रही थी कि कहीं स्किन ऑयली तो नहीं लग रही, ऑयली तो नहीं लग रही, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि कितने टाइम के बाद स्किन ऑयली फील होना स्टार्ट हो जाती है। सो दोस्तों, मेरी स्किन 7 से 8 घंटे के बाद भी बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही थी, वैसे ही हाइड्रेट लग रही थी, ना तो चिपचिपी लग रही थी और ना ही ड्राई लग रही थी। सो ये एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस फेस क्रीम के बारे में। सो दोस्तों, मेरे साइड से बिग थम्स अप है इस फेस क्रीम के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। हाँ, प्राइस वाइज थोड़ा सा इसका जो प्राइस है वो मुझे हाई लगा, बट मैंने इसे 20% डिस्काउंट में लिया है। मामा20 कोड अगर आप मामाअर्थ वेबसाइट पर लगाते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है, तो मैंने इसे 20% ऑफ में लिया है। बट इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, बट डिस्काउंट के बाद और
थोड़ा सा प्राइस इसका कम हो जाता है, और जिस तरीके के इसने रिजल्ट दिए हैं तो मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस फेस क्रीम को परचेज करके, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस रेंज को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप भी अपनी डल स्किन से, अपने फेस से दाग धब्बों से परेशान हैं तो एक बार इस फेस क्रीम को, इसके फेस वॉश को ज़रूर ट्राई करें। मैंने ट्राई किए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं उनके रिजल्ट। सो अगर आप इस फेस क्रीम को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और पास में एक बेल आइकन है उसको भी फटाफट से प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।